17 स्टेट्स हैव अग्रीड टू द डीम्ड अप्रूवल कंस्ट्रक्ट, यानी आपने संचार सरल संचार में और पीएम गतिशक्ति आरओडब्ल्यू पोर्टल में एप्लीकेशन डाली और तुरंत उसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाए ज्यादातर चीजों का। बहुत बड़ी बात है, आप सोचिए इसका इम्पैक्ट देखिए आप, इन सब रिफॉर्म्स का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिफॉर्म्स किए हैं इनका इम्पैक्ट देखिए आप। पहले ऑन एन एवरेज 343 डेज लगते थे अप्रूवल्स के, किसी भी आरओडब्ल्यू टेलीकॉम टावर इन सब के अप्रूवल्स के, वो आज करीब करीब 22 दिन आ गया, 343 से इट हैज कम डाउन टू 22 डेज। अभी जुलाई में तो इनफैक्ट दी लास्ट जुलाई द एवरेज इज इवन बेटर, कितना दिन है, 16 डेज इज द एवरेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। इमेजिन 343 डेज से 16 डेज, ये पीएम साहब के, प्रधानमंत्री जी के जो रिफॉर्म्स है उसका आपके सामने क्लियर इम्पैक्ट है। तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आरओडब्ल्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपरली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे, केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेजी से इस पर हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। तो ये जर्नी है, आप सब ने अब तक बहुत सहयोग दिया है। आई थैंक ऑल द फ्रेंड्स इन मीडिया, आई थैंक द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, आई थैंक द स्टेट गवर्नमेंट्स, आई थैंक ऑल द टीम मेंबर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एंटायर टीम हैज वर्क्ड डे एंड नाइट वेरी डिलीजेंटली, डन वेरी गुड वर्क एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ वेरी कोलैबोरेटिव मैनर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करके जो सोल्यूशन आज लाए, मुझे आशा है कि सबसे हमारी 5G की जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर। 50 हफ्ते से 2 हफ्ते आ गए तो क्या ये अज्यूम करें कि 24 से पहले ऑल इंडिया पैन इंडिया 5G पहुंच जाएगा 5x टाइम? जो एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री से वो ये है कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़े। देखिए इसमें दो चीजें हैं, हमारी तरफ से पॉलिसी के चेंजेस, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसा हम लोग का एस्टिमेट है कि करीब 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट आना है। 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट दिस इज एक्चुअली लीडिंग टू गुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो। इंडस्ट्रीज स्टार्टेड हायरिंग एंड दे आर हायरिंग इन गुड नंबर्स इज वॉट वी अंडरस्टैंड। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 से 3 वर्षों के बीच में करीब करीब देश के सभी हिस्सों में 5G पहुंच जाना चाहिए।